हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन सो आज हम लोग देखेंगे इज इट लव और लास्ट यहाँ पे आपके एडवाइस कार्ड्स भी हैं द फर्स्ट पाइल इज येलो सेकेंड वन इज ऑरेंज लास्ट बट नॉट दिली इज रेड हार्ट इसमें से आपको जो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो मेडिटेट करके थैंक यू सो मच हाई वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये येलो हार्ट चूज किया था देख लेते हैं कि इस पर्सन का लस्ट है आपके लिए लस्ट yeah. है आपके लिए लव है ओके गाई सो आपके कार्ड्स हैं द स्टार फोर ऑफ पेनिकल्स द हर्मिट नाइन ऑफ नाइनोफोन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो कार्ड्स हैं, सो आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि ये पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार है ओके okay? Uh, क्योंकि ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं बहुत ही ऊंचे उदे पे देखते हैं आप काफ़ी फेमस हो सकते हो एक फैशनिस्टा हो सकते हो फैशन ब्लॉगर हो सकते हो काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हो काफ़ी फॉलोवर्स आपके हो सकते हैं या फिर आप जिस भी अरीना में हो वहाँ पे काफ़ी सिक्योर्ड हो काफ़ी अच्छी जगह पर हो तो ये पर्सन आपको वो देखते हैं सबसे पहली बात तो दूसरी बात है विद द फोर ऑफ पेनिकल्स ये देखते हैं कि आप अपनी चीज़ें कर रहे हो अपने पैसे कमा रहे हो किसी चीज़ का टेंशन नहीं है आपको एकदम आप वैकेशन्स पे भी जा रहे होगे अपना एंजॉय कर रहे हो आप देख सकते हो लेडी कैसे बैठी हुई है अपने यू नो सूट केस के ऊपर और पेनिकल्स के ऊपर ओके okay? सो so, आपको इतनी कोई टेंशन नहीं है आप एकदम मस्त चल रहे हो ओके okay? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे विद द हर्मिट कार्ड ये रात को अपना मोबाइल ऑन करते हैं और आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं आपको सराहते रहते हैं ओके okay? इनके अंदर काफ़ी लसफुल एनर्जीज भी हैं बट इनको डर लगता है आपकी तरफ आने से विद द नाइन ऑफ वॉन्स ये इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें या इनको यू नो एक्सेप्ट ना करें एंड इस पर्सन को आपसे मैरिज करना है एक न्यू बिगिनिंग चाहिए विद द ये पर्सन देखते हैं कि आपको एक घर संभालना आता है काफ़ी यू नो इंटेलिजेंट हो आप एक टीचर हो सकते हो आप एक uh, स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हो लाइट वर्कर हो सकते हो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हो तो ये पर्सन आपको उस एरिना में देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर हो आप काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो इन्फ्लुएंसर हो सकते हो किसी टाइप के इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स हैं बट इनको डर लगता है कि ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये पैशन के लिए ही आपकी तरफ आए हैं विद द एज ऑफ सोर्स डेफिनेटली ये पर्सन सच बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं ये पर्सन आपको देखते हैं तो हील होते हैं ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं आपको देखते हैं तो यू you नो know, इनकी नई लाइफ शुरू हो जाती है ऐसा इनको लगता है सो तो ये आपके साथ एक यू नो न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं अपने दिल की बात सच बताना चाहते हैं कि ये पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है ओके गई सो आपका एडवाइस कार्ड है वो ये कहता है कि स्टॉप कंपेयरिंग सो यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग कि दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें इस पर्सन को और इनके बारे में गलत ना सोचें और वाइस वर्सा क्रॉस वोचर्स के लिए भी वो भी गलत बातें आपके बारे में ना सोचें कि आपको कंपेयर करना चाहिए कि ये लस्ट है कि लव है ये ट्रूली लव है यहाँ पे दिख रहा है और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो लस्ट होता ही है ओके <laughs> okay. उसके बना पूरी कहानी नहीं होती ओके <laughs> सो okay. so, uh, दिस वॉज़ योर रीडिंग सो अब हम लोग देखते हैं कि आपका व्हील ऑफ़ फॉर्चून की तरफ से इस पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेज ये देना चाहते हैं सो so, ये रहा आपका व्हील ऑफ़ फॉर्चून सो स्टार्ट करते हैं इस पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं ओके गाइज uh, ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन है स्टार सीड आप दोनों हो सकते हो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका पिछले जन्म से ये पर्सन आपको आ रहे हैं आपकी तरफ और क्रिस्टल चिल्ड्रन आप दोनों हो सकते हो ओके okay? एंड uh, आपका कोई क्वेश्चन है आपका सवाल है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो आंसर इज़ यस एंड अगर आप मैरिज का सोच रहे हो तो इस पर्सन के साथ आपकी लव मैरिज हो सकती है एस और पी इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा 101 नंबर आपको काफ़ी ज्यादा दिखेगा अपने मोबाइल पे इस पर्सन के आपकी तरफ आने से पहले ओके okay. एंड uh, ये पर्सन वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं गाइस ओके सो दिस वाज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट प्लीज हेट्स अपॉन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हो उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे लेट्स टू पाइल नंबर वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये ऑरेंज हार्ट चूज किया था देख लेते हैं कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए लव है कि लस्ट है ओके गाइस सो ये आपके कार्ड्स हैं एट ऑफ पेनिकल्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स व्हील ऑफ फॉर्चून नाइट ऑफ पेनिकल्स क्वीन ऑफ वॉर्न फोर ऑफ स्वॉर्ड्स सो ये जो पर्सन है ये कोई केक आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी फु, कोई फ्लू फु, फूड व्लॉगर हो सकते हैं खाना बनाने का काम करते हो शेफ़ हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं ऐसा कुछ काम करते हो और ये जो पर्सन है केक के साथ थ्री टायर केक टू टायर केक बनाते हो ओके या आप ये काम करते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ऑफ पैनकल के साथ ये जो पर्सन है ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं आपको यू you नो know, इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक बार एक चांस देना चाहते हैं ओके एंड डेफिनेटली ये लव है विद द नाइन ऑफ शॉर्ट्स क्योंकि ये पर्सन रात को उठ के आपके लिए बहुत रोते हैं आपके लिए बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन है इनको बहुत ही एंगजाइटी है गुस्सा आता है रोना आता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं ये डेस्टाइन कनेक्शन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है लियो एक्वेरियस स्कॉर्पियो टॉरस ये सारे फिक्स साइंस हो सकते हैं हल्का सा लिब्रा है यहाँ पे टॉरस वर्गो केप्रिकॉन भी है यहाँ पे ओके एंड या ये सारे सनसाइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सो so, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है विद द नाइन ऑफ पेनिकल्स ये एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं ये मे बी ये पर्सन आपके साथ काम कर चुके हो सकते हैं आप एक ऑफिस में काम करते हो एक पार्टनरशिप पे काम करते हो या फिर कहीं पैसा लगाया हो किसी शॉप पे काम करते हो आउट ऑफ द कंट्री एक दूसरे के साथ काम करते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओके ये पर्सन आपको इनके दिल में बहुत ज़्यादा यू नो आपके लिए प्यार भी है और उससे भी ज़्यादा आपके लिए लस्ट है बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स आ गई क्वीन ऑफ़ वॉन्स इज समी हु इज़ वेरी पैशनेट वेरी मटेरियलिस्टिक ओके okay, ये पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं इनको लैविश लाइफ जीने का बहुत शौक हो आ, बट ये आपके लिए बहुत लस्टफुल भी फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी येलो है क्वीन ऑफ वॉर्न्नस में येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ छोटा मोटा मैजिक किया हुआ है कि आप इनकी तरफ थोड़ा सा नोटिस करें ओके okay? इनके दिल में आपके लिए इतना पैशन है उसके लिए आप थोड़ा सा नोटिस करें एंड विद द फॉर ऑफ सोर्स मे बी आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो इन द पास्ट ओके या फिर अभी चल रहा हो हल्का फुल्का मनमुटा तो उसको वो हटाना चाहते हैं विद फोर ऑफ शॉर्ट्स और वो पीसफुली आपके साथ रहना चाहते हैं जैसे ये लेडी बिल्कुल चिलैक्स कर रही है वैसे रहना चाहते हैं आपके साथ ओके सो डेफिनेटली लस्ट भी है और लव भी है दोनों एक साथ है बट लव ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि पेनकस दो बार आया हुआ है तो इनके दिल में आपके लिए बहुत लव ज़्यादा है और ये अपने हाथों से आपको केक खिलाना भी चाहते हैं ओके थ्री टायर केक बना के ओके okay? अपना टैलेंट आपको दिखाना चाहते हैं एंड आपका एडवाइस कार्ड कहता है बी जेंटल विथ योर सेल्फ तो आपको बहुत जेंटल रहना है अपने साथ आपको बहुत सेल्फ लव करना है इस पर्सन के लिए भी क्रॉस अगर देख रहे हैं किसी के लिए तो उनके लिए भी ये पर्सन आ, वो जो पर्सन है जो देख रहे हैं उनके लिए जिनके लिए भी आप देख रहे हो आपको अपने ऊपर जेंटल रहना है आपको बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ लव करना है अपने ऊपर वर्क करना है अपनी गलत आदतों को छोड़ना है और अच्छे से रहना है ओके यही आपका एडवाइस कार्ड कहता है अब आपका व्हील ऑफ़ फॉर्चून देख लेते हैं कि क्या कहता है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आपको व्हील ऑफ फॉर्चून देना चाहता है ओके okay गाइज इस पर्सन को हल्का फुल्का डर लगता है आपकी तरफ आने से तो ये कहना चाहते हैं कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू तो आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं दोनों के तो आपके फ्रेंड के थ्रू ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे डायरेक्टली नहीं आएंगे आपकी तरफ जनवरी में आप मिल सकते हो आने वाले जनवरी में सिक्स और ट्वेंटी इनका बर्थडे आपका हो सकता है अगर आपका कोई भी सवाल है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली येस है आंसर अगर आप अभी नो कम्युनिकेशन में हो ओके गाइस सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट जिस भी भुगान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे ओके सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल इंस्टाग्राम व्हाट्सअप एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो लेट्स लेट्सअप टू पायल नंबर थ्री हाई वेलकम बैक फाइल नंबर थ्री जिनने भी ये रेड कलर का हार्ट चूज किया था देख लेते हैं कि आपकी ये पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए लस्ट है कि लव है सो दीज आर योर कार्ड जैसे कि आप देख सकते हो द फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस सेकेंड इज एम्प्र माय गॉड यहाँ पे तो आपका जोड़ा ही आ गया गई एम्प्रेस एंड एम्परा सो यू आर वेरी लकी पाइल पाइल नंबर थ्री आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो आप दोनों का जोड़ा है यहाँ पे सो so, <laughs> बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ओके द फूल पेज ऑफ वॉर्स सिक्स ऑफ वॉन्स एस ऑफ कप्स तो एरीज लियो सैज एरीज काफ़ी हैवी है यहाँ पे लियो भी हो सकता है एंड या एरीज काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हल्का सा केप्रिकॉर्न हल्का सा हो सकता है थोड़ा बहुत ओके या केप्रिकॉन हैवी भी हो सकता है विद द एम्प्रेस कार्ड तो आप देख लीजिएगा कौन सा सनसाइन है आपका रेजिनेट कर लीजिएगा एवरीज काफ़ी हैवी है लियो हैवी है पाइसिस भी हल्का फुल्का है ठीक है गाइज सो अगर हम देखें तो आपका जैसे जोड़ा यहाँ पे आ गया कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ओके okay, अभी आपके बीच में कोई थोड़ी बहुत बात नहीं हो रही होगी तो डेफिनेटली आपका पैशनेट रिलेशनशिप होगा या यू you नो know, धीरे धीरे आप दोनों अंडरस्टैंड करोगे अगर आपकी नई नई मैरिज है और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ तो वो बैठेगा क्योंकि एम्परर इस थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं वो थोड़ा सा वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं थोड़े से यू you नो know, वो एक ऐसे पोजीशन में पहुँच चुके होते हैं तब जाके उनके अंदर थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा अपनी तरीके से लोगों को चलाना आया होगा इस पर्सन के हल्के फुल्के बाल कम हो सकते हैं सबके लिए नहीं है गाइज जो लोग मैरिड हैं उनकी बात हो रही है अभी और जो लोग सिंगल्स हैं डेफिनेटली आपका भी जोड़ा ही है यहाँ पे एम्प्रेस एम्प्रेस एंड एम्परा सो ये पर्सन आपको यू you नो know, उनके बच्चे की माँ की तरह देखते हैं एंड बहुत ही आपको पॉश देखते हैं बहुत ही यू नो मैरिज करना चाहते हैं जो लोग सिंगल्स हैं और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं डेफिनेटली आपको एम्प्रेस ही देखते हैं वो आ, बहुत ही प्यार करते हैं आपसे डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लव है बट ये पर्सन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते दिखावा नहीं करते और अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो अगर आप सेपरेशन में हो तो पर्सन आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं एक न्यू रिस्क लेना चाहते हैं द फूल फूलकांड आप देख सकते हो वो पेट भी हैं वहाँ पर वो पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं एक मैसेज आपकी तरफ आ सकता है बहुत जल्दी एंड विद अ पेज ऑफ वॉन्स इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है ये आपके साथ एक किट चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्पर है तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इनका एक किड हो सकता है आपका एक किड हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस के नीचे आया है वो तो पेज ऑफ क्लैरिफाई करते हुए पेज ऑफ फोन्स तो आपका एक बेटा हो सकता है बेटी हो सकती है इस पर्सन का हो सकता है बट ये पर्सन आपको यू you नो know, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं मैरिज चाहते हैं और इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव भी है लास्ट भी है यहाँ पे इक्वल है लव एंड लास्ट इज इक्वल फर्स्ट टू पाइल्स में यू नो थोड़ा सा किसी में पाइल नंबर टू में लस ज़्यादा है पाइल नंबर वन में लस कम है लव ज़्यादा है तो आप पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कोई ना कोई पाइल आपसे रेजिनेट करेगा अगर नहीं करा तो आप डिफरेंट रीडर से रीडिंग ले सकते हैं रेजिनेट करेगा सेम टॉपिक पे एंड विद द सिक्स ऑफ वान्स ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं आप हो सकते हो काफ़ी लोग इनको जानते हो काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं सिक्स ऑफ वान्स के साथ ये पर्सन एक विक्टोरियस रिलेशनशिप आपके साथ जाते हैं वो देखते हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में आपके पास सब कुछ है किसी चीज़ की कमी नहीं है आप काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ भी जीत रहे हो किसी चीज़ में आप काफ़ी एक्सेल हो हो सकता है आप यूट्यूबियन हो आपका सिल्वर बटन आ चुका हो आपका गोल्ड बटन आ चुका हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओके गाइस सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं रीडिंग्स देखते हैं कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ओके एस ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक लविंग ऑफ़र आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं अगर आपका काफ़ी टाइम से बेबी नहीं हुआ तो ये पर्सन person... Uh, आपके साथ एक न्यू बॉर्न बेबी चाहते हैं ओके okay? uh, आप कंसीव भी कर सकते हो बहुत सारे लोग इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक मैरिज मटेरियल देखते हैं वो आपको विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द विद द एस ऑफ कप्स ये एक बहुत ही लविंग एनर्जी है बहुत ही केयरिंग है बट ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते कुछ लोग ऐसे ही होते हैं वो एक पोजिशन में अपने आप मेहनत करके आगे बढ़ जाते तो वो एक्सप्रेस नहीं करते तो ये पर्सन भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे बट इस बार वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं चाहे वो सिंगल्स हो चाहे वो मैरिड हो ओके पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने अपने दिल की बात तो यहाँ पे लव काफी ज्यादा है और लस्ट भी इक्वली है बहुत ही पैशनेट फील कर करते हैं विद द सिक्स ऑफ वॉन्ट एंड पेज ऑफ ओके आ, यू नो आ, छोटे बच्चे की तरह आपको पैम्पर करना चाहते हैं आपके साथ पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं अब देखते हैं कि आपका एडवाइस कार्ड क्या कहता है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस करते होंगे इंस्टा पे लाइव स्ट्रीमिंग पे या आपकी यूट्यूब वीडियोज पे इन इनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं आप इनके लिए एक मोम की तरह आप देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे ओके वो दूर से आपको देखते रहते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं कि आप मोम हो आप बहुत ब्यूटीफुल आपके बाल बहुत खूबसूरत है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है आपकी बातों में नशा है ओके ये सब चीज़ें बोलते हैं आप नोट ही नहीं करते होंगे <laughs> ओके गाइस तो चलिए आपका वील ऑफ़ फॉर्चून देख लेते हैं वीलो फॉर्चून से इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये आपके सोलमेट कनेक्शन ये पर्सन आपसे रिकन्सीशन जो लोग सेपरेशन में उनका रिकन्सीेशन हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप के लिए ये साउथ इंडिया से हो सकते हैं ओके okay? साउथ से हो सकते हैं एंड कुछ लोग सबके लिए नहीं है इस ओके okay? अगर आप इनके साथ कोई मैरिज का प्रपोजल ऑफर यू नो चाहते हो तो ये पर्सन का आपके साथ लव मैरिज हो सकता है सितंबर में ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं अभी सितंबर खत्म होने में टाइम है या फिर नेक्स्ट सितंबर में आर एंड बी इनके नाम में कहीं कही ना कहीं आता होगा इस पर्सन के आने से पहले ट्रिपल वन नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा ओके गाइज सो दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट प्लीज़ हेट्स अपन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डो नॉट फर्गेट टू हिट द बेल बटन एंड इफ यू नीड अ पर्सन रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ई मेल इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एवरीथिंग इज मैंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन box thank you so much i love you all see you see in the next video bye bye